नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी आज की खास पेशकश है जाति दिलाएगी कुर्सी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया राजधानी के दौरे पर हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ है। उन्होंने पहले बयान में ये कह भी दिया कि उनका लक्ष्य क्या है और किस तरफ वो जाएंगे। उनका ये पूरा दौरा जातिवादी प्रतीकों से भरा हुआ शुरुआत से दिखा है। 20 पंडितों ने शंख बजा करके उनका स्वागत किया। सिख समुदाय के लोग अपनी तरफ से उनको तलवार भेंट करके उनका सम्मान करेंगे, कार्यक्रम हो रहा है। जबकि सब्जी विक्रेता 50 टोकरियां उनको सौंपने वाले हैं। वहीं विभिन्न वर्ग के करीब 1000 लोग उनको गुलदस्ता भेंट करने वाले हैं। यानी अपनी यात्रा के दूसरे दिन पीएल पुनिया गिरौदपुरी और सोना खान जाएंगे और इन दोनों जगहों से एससी और एसटी समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये जग जाहिर है। इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आए थे, वो भी अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दरमियान इसी तरह जाति प्रतीकों का सहारा लेते नजर आए थे। इससे साफ है कि 2018 की रणभूमि में जाति हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगी। यानी जिसके खेमे में जितनी जातियां जितने समुदाय, उसकी जीत के अवसर उतने ही पक्के। कास्ट पॉलिटिक्स की होड़ में कांग्रेस, नया संगठन प्रभारी बनाम जाति का गणित, दलितों की शरणागत छत्तीसगढ़ कांग्रेस। गिरौदपुरी गुरुद्वारे में माथा टेकते कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। गुजरे साल मार्च महीने की 14 तारीख को राहुल गांधी 57वीं समाज के गुरु स्थान गिरौदपुरी पहुंचे थे और फिर अब नए पार्टी प्रभारी पीएल पुनिया। जाहिर है मामला आस्था से ज्यादा अवसर का है। दरअसल 2018 के चुनावी मिशन ने कांग्रेस को अपना परंपरागत स्टैंड बदलने के लिए मजबूर कर दिया। कभी जाति की राजनीति से परहेज करने वाली कांग्रेस आज उसी पर दांव लगाती दिख रही है, वो भी बेधड़क। हाईकमान ने पहले पिछड़े वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल को प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी, फिर कुछ दिनों पहले उन्हें दिल्ली बुलाकर ओबीसी को साधने की नसीहत दी। इसी बीच नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति की बारी आई तो एससी वर्ग से आने वाले पीएल पुनिया को जिम्मेदारी दी गई। यही नहीं, जो दो सह प्रभारी बनाए गए उनमें से भी एक ओबीसी से हैं और एक एसटी वर्ग से। इसके बाद भी अगर कांग्रेस ये दावा करे कि उसे जातिवादी राजनीति में भरोसा नहीं तो शायद ही किसी को उस पर एतबार हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले बीते लगातार 3 चुनाव से हारती आई है। ऐसे में इस बार उसने भी अगड़े पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश अभी से शुरू कर दी है। मुद्दा जाति समीकरण को साधने का न होता तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी और दोनों सह प्रभारी क्यों गिरौदपुरी और सोना खान जाते। हालांकि कांग्रेस के नेता ये बात स्वीकार नहीं करते कि उनका फोकस जाति वोट बैंक पर है। पुनिया जी खुद ही एससी कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो ये कार्यक्रम बनाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में ये प्रश्न ही बेमानी हो गया। अगर जातिवाद के आधार पर कोई फैसले होते तो 3 कार्यकाल 15 साल तक इस प्रदेश के मुखिया के रूप में डॉक्टर रमन सिंह नहीं होते। छत्तीसगढ़ में कोई जातिवाद नहीं है, ये कुछ राजनीतिक कारणों से इसको फैलाया जाता है और ये सब नहीं होना चाहिए। ये जाति के आधार पर नहीं है, काबिलियत के आधार पर है। जाति प्रेम की ये कहानी केवल कांग्रेस तक नहीं सीमित है बल्कि बीजेपी भी कास्ट मैनेजमेंट में जुटी हुई है। अमित शाह का गिरौदपुरी जाना दरअसल प्रतीक की राजनीति का ही एक नमूना है। हालांकि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी अपने जातिवादी रुझान को स्वीकार तो नहीं करती। कांग्रेस हताश और निराश है, क्या करे उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी को ये नहीं कह सकते कि ये उत्तर भारत की पार्टी है या अगड़ा की पार्टी है क्या इसका पार्टी है। अभी जो 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ वो रिजल्ट भी बता रहे हैं और आने वाले समय भी, कि सारे समाज के लोगों का इस समय बीजेपी के प्रति विश्वास है। छत्तीसगढ़ की नई नवेली पार्टी जिसकी अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कर रहे हैं, वो भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। दर्शन ये किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर किया जाता है तो घोर आपत्तिजनक है।
आप ईश्वरीय शक्तियों की उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनके समक्ष अपना माथा टिका सकते हैं, पर उनको अपनी राजनीति का वाहन नहीं बना सकते। कांग्रेस का नारा है जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, तो दूसरी ओर भाजपा का स्लोगन है जातिवाद को मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है। इन दोनों नारों के बीच का सच ये है कि अवसरवादी राजनीति ने सारे सरोकारों और तर्कों को ताक पर रख दिया है। ऐसे में अगर कुछ बाकी है तो वो है वोट का गणित और सत्ता की लालसा, और इसके लिए सियासी बिरादरी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल भले ही जातिवाद की राजनीति पे खुला समर्थन न करते हो, मगर उनके आंकड़े और समीकरण बताने के लिए काफी है कि हर बार राजनीतिक चाल जातिवाद को आधार बनाकर या उसे ध्यान में रखकर ही चला जाता है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस की इस नई रणनीति का आने वाले चुनाव पे और उसके परिणाम पे कितना असर पड़ता है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ अवधेश मिश्रा, IBC24 रायपुर। तो ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से आप जीत हासिल करें। जीत मिलती है वोटों से, वोट आते हैं अलग अलग लोगों से, और लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी समाज, किसी न किसी धर्म, किसी न किसी संप्रदाय से वो जुड़े होंगे, ताल्लुक रखते होंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों का, नेताओं का इन संप्रदाय के प्रतीक चिन्हों को अपनाना, उनके पास जाना, उन्हें प्रणाम करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक सेकुलर छवि को लेकर के आगे चलती रही, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती रही, वो इन प्रतीकों की राजनीति में क्या आ रही है, साफ संकेत है, या अब इन्हीं आधार के ऊपर वो जीत के आंकड़ों को जुटाती दिखेगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन बात करें उसके पहले जो नए प्रभारी हैं PL पुनिया, उनके रायपुर आने पर, प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायपुर आने पर जो स्वागत उनका हुआ, उससे जुड़ी चार तस्वीरें आपको TV स्क्रीन के ऊपर हम दिखा रहे हैं। IBC24 ने आपको ये भी बताया कि कैसे 20 पंडितों के द्वारा शंखनाद करके उनका स्वागत करने की तैयारी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उमड़ते हुए तमाम कार्यकर्ता जो स्वागत से ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन करते नज़र आए हैं। इसमें जाहिर सी बात है कि जो पुराने प्रभारी के साथ में कुछ अनबन हुई हैं, उन सबको बुलाकर अब नए प्रभारी को इसमें खुश करने का समीकरण साधने की कोशिश भी होगी, साथ में अपने नए नेता का स्वागत भी करना है, क्योंकि अब इन्हीं के सहारे आलाकमान तक सारी बातें प्रदेश की जाएंगी और आलाकमान के निर्देश प्रदेश तक आएंगे। तीसरी तस्वीर में आप प्रदेश अध्यक्ष को और जो नए प्रभारी बने PL पुनिया और साथ में सह प्रभारी हैं, उन सभी को देख पा रहे हैं। और चौथी तस्वीर में आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते कार में चढ़कर अपने कारकेट में आगे बढ़ते हुए PL पुनिया को देख रहे हैं। ये चार तस्वीरें उस समय की हैं जैसे ही प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायपुर आगमन हुआ है PL पुनिया का। अब इसमें नया क्या है? नया है शंखनाद के द्वारा स्वागत करना, सब्जी के टोकरों को भेंट करके स्वागत करना, सिख समुदाय के द्वारा तलवारों को भेंट करना, अलग अलग 1000 गुलदस्तों से उनका स्वागत किया जाना। हालांकि ये सब कुछ आप कह सकते हैं कि स्वागत के अलग या नए प्रतीक हैं, तरीके हैं, लेकिन इन सब में कुछ संकेत छिपे हुए हैं। अब आने के बाद में PL पुनिया ने सबसे पहले जो अपना मंतव्य जाहिर किया मीडिया के सामने, क्या कहा उन्होंने, वो भी आप सुन लीजिए। वहाँ जा रहे हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं, हमारा अपनापन है, इसलिए हम तो वहाँ जाएंगे ही, हमको राजनीति नहीं। तो प्रभारी से जब ये पूछा गया जातिगत राजनीति को लेकर के, क्या इसमें कोई वोट बैंक वो देख रहे हैं, क्या इसके प्रतीकों के अंदर हम कुछ तलाश सकते हैं कि जिस तरीके से पहले कभी किसी मामले में कांग्रेस पीछे रह गई, तो अब पीछे रहना नहीं चाहती है, वो सारे प्रतीक अपनाना चाहती है जो कभी कांग्रेस जिनसे दूर रहा करती थी सेकुलर बताती हुई, तो इस बारे में प्रभारी ने आती अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि मैं खुद उस वर्ग से आता हूँ, आस्था जुड़ी इसलिए वहाँ जा रहे हैं। हालांकि इन सब के पीछे जो आंकड़े हैं वो अलग ही गवाही देते हैं। चलिए इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। PR खुंटे साहब हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अलग अलग पदों पर रह चुके हैं और इस वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी हम बात करें। नवीन मार्कंडे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ में विधायक हैं और इस राजनीति को बाखूबी समझते हैं। इस पैंतरेबाजी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इस पर भी वो अपने विचार रखेंगे। आप दोनों का स्वागत है। कुंटे साहब, सबसे पहले कि कांग्रेस ने पहले जिन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखी थी, अब शंखनाद भी हो रहा है, तिलक भी लग रहा है और उन सारी चीज़ों स्वागत हो रहा जो पहले हम देखते थे कि कभी विरोधी खेमे में दिखाई पड़ता था। आप तिलक के साथ में या
शंखनाथ के साथ में कभी भी पार्टी को एसोसिएट नहीं करते थे, लेकिन अब वो सब दिखाई पड़ रहा है और साथ में गिरोदपुरी आजकल सभी जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? सर्वप्रथम तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के नया प्रभारी माननीय श्री पी पुनिया जी का, उनके साथ सहयोगी प्रभारी उराव जी का, पटेल जी का हार्दिक दिल से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम कांग्रेस जात पात के राजनीति पर विश्वास नहीं करती, जात पर ना पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच रही है और रहा है और आगे भी रहेगा। रहा हमारे जो प्रदेश प्रभारी जो बनकर आ रहे हैं, जिनका आज रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भव्य स्वागत हुआ है, हजारों की संख्या में अलग अलग समुदाय के लोग उनकी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और एक नया उत्साह, एक नया मैंने ऐसा स्वागत दिखाई दे रहा है जैसे कि देर सवेर छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाला है। इसके पीछे एक ही सोच है, पीएल पुनिया जी ठीक है अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, लेकिन वो जात पात की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलने के पर विश्वास करते हैं, उन्होंने इस बात पर बल भी दिया है, आगे भी बल प्रदान करेंगे। रहा जाति धर्म और प्रांत की राजनीति, कांग्रेस ने कभी किया है ना कभी करने वाला है, लेकिन माननीय पुनिया जी के प्रभारी बनने से छत्तीसगढ़ के जो राजनीतिक और सामाजिक जो समीकरण है वो बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। उनके प्रभारी बनने से सभी वर्गों में और खास करके अनुसूचित जातियों में एक उत्साह की लहर दिखाई देना शुरू हो गया है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश प्रभारी के रूप में पीएल पुनिया जी, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं, सह संगठन राष्ट्रीय सचिव भी हैं और अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको काफी अनुभव है और अनुसूचित जाति के हितों में उन्होंने जीवन भर काम करते आए हैं। बात है कोटे साहब, आपने अपनी बात में ही उत्तर भी दे दिया, आपने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का ख्याल रखा है कि एक खास वर्ग से आपको किसी नेता को प्रभारी सौंपना चाहिए। देखिए मैं आपको कारण बताता हूं कि क्यों अब की बार इस नियुक्ति के ऊपर हम ये सवाल उठा रहे हैं। हमने आपसे ये भी पूछा, हमने कल भी बात की थी कि गौ सेवा से जुड़े संगठनों से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जुड़ रही है, खुलकर उसे प्रकट भी कर रही है, प्रकट कर रही है, ये नया हो रहा है। भले ही आप पहले से जुड़े रहे हो, आपके दावों पर अगर यकीन करना भी चाहें तो पहली बार प्रकट कर रहे हैं। तिलक के साथ में, शंखनाथ के साथ में स्वागत हो रहा है प्रभारी का, ये अपने आप में पहली बार हो रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है। तीसरी बात यह कि कोई भी नेता आ रहा है तो वो गिरौदपुरी जरूर जा रहा है, और आप खुद मानते हैं कि पहली बार इस वर्ग के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जा रहा है, तो क्यों ना माने कि जातिवादी राजनीति का हिस्सा है? नहीं, मैंने पहले कहा है कि जातिवादी राजनीति का हिस्सा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का प्रदेश है, और इन लोगों में प्रतिनिधित्व जो है मिलना चाहिए, और वो प्रतिनिधित्व जो है कांग्रेस पार्टी ने अभी जो प्रभारी जो नियुक्त किए हैं उसमें जो है तो अब तक नहीं मिला था, क्या इस बात को आप मानेंगे? मिला था, लेकिन इस समय जो उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है वो इससे जो है पूरे वर्ग में एक संदेश जा रहा है, और कांग्रेस संगठन जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय भूपेश बघेल जी के जो नेतृत्व में जो संगठन का काम चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है आगामी 2018 में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस, वो तो है ना, सही बात है। हर पार्टी का, मैंने शुरुआत ही ऐसे की, हर पार्टी का टारगेट होता है चुनाव लड़ना और जीतना, सब चाहते जीते। अब इसके लिए अगर आप ये एक नई अपनी छवि क्रिएट करना चाहते हैं या ब्रांडिंग वैसी करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं, इसको स्वीकार करने में क्या है? देखिए भारतीय जो हमारी संस्कृति है और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो भावनात्मक जो विचारधारा है उसको तो ध्यान में रख करके ही चलना पड़ेगा, और हम लोगों को तो सभी वर्ग और सभी जाति धर्म और सभी विचारधारा के लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी के मुख्य धारा में जोड़ के चलना है, जात पात के राजनीति नहीं करना है। चलिए नवीन जी भी हमारे साथ, नवीन जी भी हमारे साथ में मैं आपके पास फिर लौटता हूँ। नवीन जी, आपको लगता है ये सारी बातें, ये सब कुछ सहज हो रही है, इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये सहज हो रहा है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि शुरू से ही कांग्रेस जो है ऐसे बुनता है जातियों की एक जाल, कि लोग जो है शुरू से
उसमें उनको लगता है कि कांग्रेस हमारे इस समाज के हितैषी है, कांग्रेस हमारे इस समाज के हितैषी, ऐसी उन लोगों को ऐसे भावना जागृत करते हैं और उस तरह से उनको बरगला के या उन लोगों को ऐसे सपने दिखाकर वोट बैंक की ये राजनीति करते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो। और ये आज की बातें नहीं है, शुरू से है। और यही बातें हैं, खुटे जी ने अपनी बातों पे कहे भी हैं कि यहाँ के अनुसूचित जाति के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभारी की नियुक्ति किया, तो ये खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं कहूँगा कि पुनिया जी यहाँ के कोई अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं आता, यहाँ छत्तीसगढ़ में पुनिया जी का कोई अनुसूचित जाति वर्ग के हैं ऐसे भी कोई विषय नहीं है। वो उनका जहाँ निवास है उस स्टेट में, उस राज्य में वो अनुसूचित जाति नहीं। लेकिन नवीन जी एक बात और मायने नहीं रखता कि छत्तीसगढ़ आपके मुताबिक लाभ इससे नहीं मिलेगा। हाँ, उससे कोई कांग्रेस को ऐसे कोई लाभ नहीं मिलेगा कि वो कौन सी जाति के हैं। और मैं नहीं मानता कि, लेकिन जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो आप भी उनको वहां पर गिरौदपुरी का उनका दौरा हुआ, वो सारे प्रतीक जिनसे कभी बीजेपी भी दूर रहती थी, खास एक वर्ग से लगाव को अपना प्रकट नहीं करती थी, अब वो भी कर रही है, तो फिर तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, या आपकी चीजों को फॉलो कर रही है कांग्रेस, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो तो श्रद्धा का केंद्र है, वहां तो कोई भी जाए मत्था टेके, पूजा करे, अर्चना करे, उससे उसकी कोई बातें नहीं है और उस पर किसी प्रकार का कोई बोलने का या टिका टिप्पणी करने का भी नहीं है। श्रद्धा का केंद्र चाहे कोई भी जाति धर्म का भगवान हो या कोई श्रद्धा का केंद्र हो, हम सब उसमें पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर जिस तरह से कांग्रेस यहाँ प्रेजेंट कर रही है, पुनिया जी भी अपने शब्दों में जो कहे हैं कि यहाँ हम सरकार बनाएंगे, तो इनकी मंशा जो है कि भाई इनको लगता है कि भाई अनुसूचित जाति का यहाँ प्रभारी दिए हैं तो उसके कारण सब साध के यहाँ हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो ऐसी इतने वर्षों तक इन लोगों ने सरकार में रहे और इस तरह से छत्तीसगढ़ हो चाहे एमपी, मतलब इससे लाभ नहीं होगा आपके मुताबिक, इन स्थानों पर इनकी सरकार है और अनुसूचित जाति हो या किसी भी वर्ग को हो, इन लोगों ने सपने दिखा कर रखे हैं और उसको केवल वोट बैंक के रूप में शामिल इसका प्रयोग किए हैं। और इसके कुंटे साहब वोट बैंक को ध्यान में रखकर ये नियुक्तियां हुई हैं, ये देखिए आप, ये कैलकुलेशन और कुंटे साहब की वोट बैंक को ध्यान में रखकर के नियुक्ति की गई। नहीं नहीं, वोट बैंक को ध्यान में रख करके नियुक्तियां हुई है, मैं ये कहने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए कहने को तैयार नहीं हूँ। पिछले 13 साल से छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 3 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार संचालित है। इन वर्षों के बीच में खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उपेक्षा और उनका जो शोषण हो रहा है, उनके हक अधिकार का जो हनन हो रहा है, शासन में बैठे लोगों के द्वारा जिस तरह से उनका राजनीतिक शोषण हो रहा है, इसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश प्रभारी के रूप में माननीय पीएल पुनिया जी, जो कि पूर्व में आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, उनको शासन और प्रशासन के ज्ञान है, संगठन का भी ज्ञान है, उसका उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश, क्या उस अनुभव का लाभ जोगी जी को जवाब देने में भी होगा, क्या उस अनुभव का जवाब जोगी जी को, जोगी जी, क्योंकि आज हमने पहली बाइट आपने भी सुनी मेरे साथ में, मैंने भी पहली बार आपके साथ ही सुनी, उन्होंने जोगी जी के सवाल के ऊपर जैसे रिएक्ट किया ऐसा लगा कि पूरी तरह प्रिपेयर हैं जोगी जी के प्रकरण को लेकर। जोगी जी अपनी जगह पर है और रहा जोगी जी का यहाँ पर प्रश्न, जोगी जी जब से छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी से बाहर निकले हैं और अलग से पार्टी बनाकर जो काम कर रहे हैं, उसी समय से उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है खतरा में पड़ गया है। एक वर्ग विशेष में जरूर उन्होंने दखल देने की कोशिश किया और ऐसे वर्ग जिसके जो है नेतृत्व को उन्होंने अपने कार्यकाल में समाप्त करने के प्रयास किया, जिसकी खमियाजा आज भी छत्तीसगढ़ के 17वीं समाज भोगने के लिए मजबूर है। ठीक है, लेकिन अब उनको ये अवसर छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं मिलेगा। यहाँ पे साहब इस नियुक्ति से क्या मिलेगा समाज को, वर्ग को, ये इसको क्या मिलेगा, इन नियुक्ति से क्या मिलेगा? जो हक अधिकार का जो हनन हो रहा है अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों का, उनके हितों की रक्षा होगा, उनके अधिकारों के लिए माननीय पुनिया जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मैंने आंदोलन होगा और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई होगा। और आगामी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की भारी बहुमत, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। नवीन जी, बहुत अत्याचार, बहुत बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, कुछ इस तरीके की छवि, और इससे लाभ भी मिल पाएगा क्योंकि अब जिस तरह से प्रभारी बने हैं अब उस पर का ख्याल रखा जाएगा कांग्रेस के द्वारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस 13 साल 14 वर्ष की कार्यकाल है और इस इतने वर्षों के कार्यकाल में
चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या किसी भी वर्ग समुदाय के लोग हो। और वैसे तो हम वर्ग और जाति को लेकर काम नहीं किए हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में वो सबका साथ सबका विकास या क्रेडिबल छत्तीसगढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ के नाते, चाहे वो दूरस्थ अंचल हो, लेकिन जैसा फुटे साहब कह रहे हैं, सभी जगह विकास को मुद्दा बनाकर हम लोगों ने लड़े हैं। और गरीब परिवार जो है, गरीब परिवार के हित कैसे हो, जन कल्याण के हित कैसे हो, नहीं लेकिन एक वर्ग का हित, एक वर्ग का हित नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार चल रही है, कहना चाहूंगा लागू करके रखे हैं, सर्वविदित है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। आज 13 साल से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता स्पष्ट रूप से मैंने सरकार की गतिविधि से वाकिफ और देख भी रहे हैं। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थापित हुआ है, तब से एक वर्ग विशेष का शासन और प्रशासन और संगठन में वर्चस्व कायम हो गया है। लाभ का पद, लाभ का काम वर्ग विशेष के लोगों ने ही हथिया रखा है, उन्हीं लोगों में बंदर बांट कर दिया गया है। और हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, जो पिछड़ा, जो गरीब तबका है, उनको एक रुपया, दो रुपया किलो चावल कि आड़ में वोट के राजनीति करके उनके हक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन इन बात को छत्तीसगढ़ की जनता ने भली भांति समझ लिया है। आने वाले 2018 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या जो जनता को भूखे, अगर कोई गरीब परिवार है जिनको रोटी की आवश्यकता है, उनको भोजन की आवश्यकता है, अगर ऐसे लोगों के लिए सरकार सोचती है कि उनको अन्न मिले, तो क्या इनको जो है लगता है कि उन लोगों को अन्न नहीं देना चाहिए? आड़ में हक छीने गए हैं, ऐसा हक छीना, हक छीनना बोलते हैं। तो क्या अगर इस तरह से जन कल्याण के काम को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रहा है तो कांग्रेस को हक छीनना लगता है? तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने तो उनके भूखे पेट पर लात मारे हैं और हम तो उनके भूखे पेट को अन्न दे रहे हैं। तो ये इनको अपनी एक वर्ग विशेष का वर्चस्व रहा है, क्या किया इस पर, इस पर उत्तर दीजिए ना नवीन जी। एक वर्ग विशेष का वर्चस्व कायम हो गया है इन 13 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, ये एक सीधा आरोप है। जी ये किसी वर्ग का कोई वर्चस्व हो गया है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, हमारे छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति की सरकार है। और इसीलिए यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता जो है हमको तीसरी बार अवसर दिया है और चौथी बार भी देगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा सरकार है वो जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं और उनकी सेवा के माध्यम से, जन कल्याण के माध्यम से ये सरकार बेहतर ढंग से चल रहा है। कुटे साहब, अब मैं इस संदर्भ में निवेदन करूंगा माननीय नवीन जी, अब सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं और एक रुपये दो रुपये किलो चावल देने की बात कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस भी इसके पक्षधर है, इसका कोई हम विरोध में नहीं, खिलाफ नहीं है। और आपको मालूम नहीं, मेरा ये कहना है, देखिए अगर ऐसी बात होता तो अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी स्थानीय निकाय से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, कॉलेज का चुनाव हुआ, मंडी का चुनाव हुआ और अभी अभी जो है सहकारिता समिति का चुनाव हुआ, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के जनता ने धूल चटाया है और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत दिया है। आज छत्तीसगढ़ में सहकारिता चुनाव में 80% सीटों पर कांग्रेस को दूसरे के हक छीनने के आदत पहले से भी था, आज भी था। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे आरंग क्षेत्र में खुल चुका है, आरंग क्षेत्र में जिस सरकारी चुनाव को पर्दा डालने की कोशिश करें, कांग्रेस ने अपना बैनर लगा के बोल दिया कि ये हमारा जनता ने मन बना लिया है, जनप्रतिनिधि को चोरी करने वाला ये कांग्रेस जनप्रतिनिधि को चोरी करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी का प्रमाण है। अभी देखिए अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जो खड़ा हुआ था उसको आप 12 जी बताइए, आप लोग 12 खोटे जी बताइए, आप लोग 12 लोग गए थे और एक आपके अगुवाई में थे, उस समय क्या हुआ था, ये तो बताइए। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस जो है आपको चुरा ले, लोकतंत्र जनता पार्टी की उस समय बारह विधायक और ये खूटे जी स्वयं सांसद थे, इनको चोरी करके ले गए थे। और उस स्थिति में बताइए कि कांग्रेस जो है जनप्रतिनिधि का चोरी करने वाला कांग्रेस। एक आखिरी बात आपसे खूटे साहब, कभी कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की सोच को लेकर नहीं चला है, ना इस प्रकार
प्रकार से लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या करने हत्या को किए हैं, किए हैं लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस है ये। चलिए मार्कंडे साहब, खोटे साहब, अब एक अंतिम प्रश्न बचता है कि अभी वर्तमान में जिस तरीके से दोनों पार्टियों का इस वर्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं एसटी एससी ओबीसी जिसका बहुतायत पाया जाता प्रदेश में, उनके लिए आपकी क्या योजनाएं आप देखते हैं? खोटे साहब आपसे शुरुआत करते हैं, आपने कहा कि अब जो चला आ रहा है इसमें बहुत कुछ बदलेगा, क्या बदलेगा कैंडिडेट की लिस्ट में, क्या ये चेहरे ज्यादा दिखेंगे, प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा या मुद्दे बदलेंगे, क्या होगा? देखिए कांग्रेस पार्टी जो है 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत ही सजग है, सतर्क है और किसी भी प्रकार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ढील देने के पक्ष में नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है माननीय राहुल जी और सोनिया जी के हाथ को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के। मेरे सवाल का उत्तर नहीं आ रहा कुटे साहब, आपकी उम्मीदें क्या हैं? नहीं, इस वर्ग में टिकट ज्यादा मिलेगा या मुद्दे बदलेंगे, मुद्दे वो होंगे जो आपका वर्ग चाहते हैं? नहीं देखिए कांग्रेस का मुद्दा स्पष्ट है, सभी वर्गों को शासन प्रशासन संगठन में प्रतिनिधित्व देना, ठीक, उसमें किसी प्रकार के समझौता नहीं होना। उसके अलावा जो है जो कार्य योजना है कांग्रेस पार्टी की, जो घोषणा पत्र है, अभी तो चुनाव आने में देरी है, इसलिए तो मैं आपके वर्ग की मांग की डिमांड की बात कर रहा था कि क्या उम्मीदें आपकी हैं नए प्रभारी से? नए प्रभारी से इस समाज को बहुत कुछ उम्मीद है, ठीक है, क्या है अनुसूचित जातियों के साथ जो अभी तक जो अन्याय हुआ है, जो उपेक्षा हुआ, शोषण हुआ है, उनके हक अधिकार का जो हनन हुआ है, उस पर निश्चित रूप से रोकथाम होगा और उनको हक अधिकार दिलाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। चलिए कुल मिलाकर अब इसमें कितना फर्क ला पाते हैं और जैसा नवीन जी बता रहे हैं, जैसा बीजेपी का दावा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना फर्क पड़ेगा और किसके पक्ष में जनता और ये खास एसटी एससी ओबीसी जिसको लुभाने का हर प्रयास हम पार्टियों के तमाम प्रतीकों में देखते हैं, वो कितना काम कर पाएगा इस पर नजर बनी रहेगी। अभी तो शुरुआत है, डेढ़ साल बचा है चुनाव में, कमोबेश इस डेढ़ साल में ऐसे बहुत सारे प्रतीक आपको हमको देखने, असर कितना ला पाती है जनता ये भी देखेंगे, दिखाएंगे आप तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार, नमस्कार।